हमने आजम खां जो श्री अखिलेश यादव के चचा थे उनकी सीट में भी कमल खिला दिया। बोले भी तो आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी रटवे। 2024 को लेकर के सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बयानों में तीखा पल्ला दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो भाषा का स्तर अपना रही है उससे लगता है कि उसने मन बना लिया है कि वो 2024 का चुनाव हिंदू मुसलमान के एजेंडे से ही लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के दो बयान बता रहे हैं, एक संसद के अंदर सांसद रमेश बिधूड़ी का और दूसरा अब आजम खान को अखिलेश यादव का चचा बोलकर। ऐसे बयानों का मतलब बड़ी दूर तक जाता है। ऐसे ही बयान ध्रुवीकरण कराते हैं। फिलहाल आप केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को सुनिए कि वो 2024 को लेकर के क्या कह रहे हैं और उनके बयान के मतलब क्या हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं को ये जरूर आह्वान करके जाता हूं कि आप सब कार्यकर्ताओं को ये ध्यान रखना है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव ये हमारी सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। विपक्षी गठबंधन कहीं टिकेगा नहीं, यूपी में तो इनका खाता भी नहीं खुलेगा। देश में हम 14 और 19 का जो लोकसभा का चुनाव का रिकॉर्ड है उसको तोड़ने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी, और आपको ये जरूर कहना चाहता हूं, कोई कार्यकर्ता अपने को डिप्टी सीएम से कम ना समझा। हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की पहचान है, हमारी पार्टी की शक्ति है, हमारी पार्टी की सफलता का मूल आधार है। और हमारे पार्टी का कार्यकर्ता यह विश्वास रखे कि ये 2024 ही नहीं 2047 तक कोई भाजपा को हिला नहीं सकता। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ, सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस सब ने मिलकर गठबंधन कर लिया। सबका एक लक्ष्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से भाजपा की सरकार नहीं बनने देना। लेकिन धन है बागपत की धरती, धन है उत्तर प्रदेश की धरती, धन है देश की धरती जिन्होंने सच्चे नेता को पहचाना और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में उस समय 64 सारे गठबंधन के बाद 64 सांसद जिताए। अब हम छाछठ हो गए। हमने आजम खां जो श्री अखिलेश यादव के चचा थे उनकी सीट में भी कमल खिला दिया। हमने आजमगढ़ जहां से स्वयं श्री अखिलेश यादव जी सांसद थे वहां पर भी भाजपा के हमारे निरहुआ सांसद बनकर के, दिनेश लाल निरहुआ सांसद बनकर के देश की संसद में अब हम छाछट हो गए। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार के लिए न 64 छाछट न 73 पूरे 80 के 80 सांसद जुटाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े।